सीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटली क्लास में हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और जहां हम पढ़े थे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही हुआ था ना? ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन वगैरह तो हम लिख ही लिए थे, ठीक है। और कल हमने सीखा भी था फोल्डर कैसे हाइड करते हैं, यही ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम फोल्डर हाइड कर रहे हैं के बाद भी अगर वो ब्लर में उजला दिख रहा है तो क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, इसीलिए। वाह, वेरी गुड। गलत है। क्या बोलेंगे आप? कि कंट्रोल पैनल से उसको शो कराया गया है, इसीलिए वो कंप्लीटली हाइड नहीं हुआ है, ये रीजन है। जाके वापस से कंट्रोल पैनल में, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में, फ्यू टैब में उसको क्या करेंगे, डोंट शो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर से पूरा कंप्लीट हाइड हो जाएगा। वापस लाना होगा, क्या करेंगे? फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाएंगे और शो करा देंगे। अच्छा, शो करा देंगे फिर भी धुंधला दिख रहा है, तब क्या रीजन है? तो अब यानी कि अपने प्रॉपर्टी से हिडन वाला ऑप्शन ऑन है, तो क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। समझ गए ना? दो कंडीशन बन रहा है, एक बार अपने कंट्रोल पैनल से शो कराया गया इसलिए हाइड नहीं हो रहा है, और अनहाइड करने के बाद भी धुंधला दिख रहा है, तो क्या है? अपने प्रॉपर्टी से हाइड है अभी भी। समझ गए ना? दो कंडीशन बनते हैं, ये दोनों कंडीशन दिमाग में रखिएगा। और कल हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, किसके बारे में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, कि हमारे असली कामों को करते हैं, ठीक है, और जो यूजर की नीड को पूरा करने का काम करते हैं, और बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे वेतन की गणना करने के लिए, वस्तुओं का स्टॉक रखने के लिए, मतलब टैली वगैरह नहीं यूज होते हैं, टैली बीजी, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली बीजी, एमएस ऑफिस, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, क्रोम, ये सब क्या है? क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अच्छा, क्रोम क्या है? क्रोम क्रोम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्रोम एक ब्राउजर है और गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। क्रोम क्या है? ब्राउजर है, और गूगल क्या है? सर्च इंजन। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या डिफरेंस है गूगल सर्च इंजन और ब्राउजर में? तो सर्च इंजन का काम होता है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं उस पेज को जोड़ना, मतलब जोड़ने का काम करता है। अब ब्राउजर का क्या है? आपका काम रिजल्ट देना होता है। क्या होता है? रिजल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन है, याहू, इससे पहले गूगल से पहले क्या था? याहू था, लेकिन अब लोग गूगल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो क्रोम क्या है? ब्राउजर है, और गूगल क्या है? अब बहुत अच्छी बात है कि गूगल की जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो है भारत के सुंदर पिचाई, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते, बहुत गर्व की बात है ना? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझ गए आप लोग। अब वही ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या वर्क है सब बताएगा, कहा है मतलब, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डिफिनेशन आप लोग पढ़े थे कुछ वैसा ही, कहा है ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यही डिफिनेशन पढ़े थे आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम पढ़े थे ना, वही तो लाइन पे लिखा हुआ है। कहा है जो कि आंकड़ों और निर्देशों यानी डाटा इंफॉर्मेशन के संरचना में नियंत्रित करता है। अच्छा, आप लोग फोल्डर बनाना सीख गए, फाइल सेव करना सीख गए, कोई पूछेगा व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर, कैसे बताएंगे? बोलो। जैसे बोलो, आगे बोलो, व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर, कोई भी बताए। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बताइए, कोई पूछेगा अगर आपसे कि व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर, क्या बताएंगे आप? सब सामने देखो हर बार, इतना समझाने के बाद भी वही हाल है। सीधा बैठिए आप लोग, सब स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, झुक के बैठेंगे तो कहाँ समझ में आएगा, बताओ। हाँ म्यूजिक ठीक, बढ़िया। और कोई और इम्प्रूव करना चाहेगा कोई, बताइए। देखिए, आप लोग स्कूल पढ़ने जाते थे तो बैग लेके जाते थे ना, तो बैग में क्या होती थी? सब छोड़ दीजिए, कापी छोड़ दीजिए, लंच बॉक्स छोड़ दीजिए, सिर्फ बुक के बारे में सोचिए। तो बुक्स होती थी बैग में, होती थी। अच्छा, बुक में कौन कौन सी बुक्स? मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की। तो इंग्लिश की बुक में इंग्लिश की बातें होती थी कि मैथ की बातें होती थी? इंग्लिश, यानी इंग्लिश की बुक डाटा और इंफॉर्मेशन रख रही है अपने अंदर, किससे रिलेटेड? इंग्लिश से रिलेटेड। तो इंग्लिश की बुक किसकी फाइल हो गई? इंग्लिश की फाइल हो गई। और मैथ की बुक? मैथ की फाइल हो। हिंदी की बुक? हिंदी की फाइल हो गई। और इन सबको ढोने का काम कौन कर रहा है? बैक, तो बैक फोल्डर हो। तो डेफिनेशन देंगे, द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखता है, दैट इज कॉल्ड
यानी जो डाटा इंफॉर्मेशन को रखता है उसे हम फाइल कहते हैं। और फोल्डर का डिफिनेशन, तो द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, यानी जो फाइलों को रखता है उन्हें क्या बोलेंगे, फोल्डर। डेफिनेशन लिख दीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। The collection of data and information is called file. होगा ये इसमें लगेगी। और फिर क्या होगा? The collection of files, यहाँ files कहाँ होगी? कई सारे जरूरी नहीं कि रखता है, कई सारे भी रखता है। The collection of files. फाइल फोल्डर समझ में आ गया। और एक और प्रश्न पूछते हैं क्या, कि अगर फोल्डर के भी अंदर फोल्डर हो उसे क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो उसे क्या बोलेंगे? और बात क्या नाम है, क्या नाम है राजू बताओ, कहेंगे देख लीजिएगा, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर बोलेंगे। हो गया, चलिए। और डेटा किसे कहेंगे? डेटा, डेटा का मतलब कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होंगी तो डेटा कहेंगे, नहीं, आपके सॉन्ग, आपके म्यूजिक, आपके फोटो वगैरह जो भी है सब डेटा ही है ना। तो वही कहा है, जो कि क्या करता है, आंकड़ों को, डेटा को, निर्देशों को यानी इंफॉर्मेशन को संरक्षण और नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखा जोखा रखता है, तथा यह भी निर्णय लेता है कि किसका कब और कितनी देर तक कंप्यूटर पर रिसोर्स नियंत्रण रहेगा, मतलब कब तक बना रहेगा उस सिस्टम पे। ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सबका मालिक वही है सिस्टम। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को वही ऑपरेट कर रहा है। मैंने कहा था ना कि आप किसी फाइल फोल्डर को खोलते हैं तो आप फिर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको, तो खोलने या बंद करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग, समझ रहे ना। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बार बार वही चीज रिपीट करता रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है, जो कि उसकी वर्किंग को निश्चित करता है और कंट्रोल प्रोग्राम का काम करता है, ठीक है। तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में क्या करता है, तथा हार्डवेयर का काम क्या होता है? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है और हम यूजर, हम दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध बनाता है, तभी तो हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं हार्डवेयर के माध्यम से ही ना। मतलब उनको कुछ टाइप करना है कोई, या कोई चीज सेलेक्ट करना है, तो ये क्या है, माउस तो है, इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन है क्या, है हार्डवेयर है।
इसे देख सकते हैं, छू रहे हैं, तो क्या है, हार्डवेयर है, समझ रहे हो। मान लो किसी फाउलर पे क्लिक ही करना है या किसी एप्लीकेशन को ही ओपन करना है, क्लिक करना है, तो किसकी मदद लेना पड़ रहा है, यानी मेरे और उस एप्लीकेशन के बीच में कौन आया, हार्डवेयर आया, ये क्या करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए, समझ गए बात को। हाँ, ये सब दिमाग में रखिएगा। और बोला गया कि सारी चीज यही टैग करता है, वर्क आप ओएस, क्या क्या इसका वर्क है, कि किस तरह से किसी की बोर्ड से कोई इनपुट किया गया मान कैसे किस रूप में लेना है, हाँ कैसे डाटा मेमोरी में स्टोर करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी प्रिंट आउट देना है। हार्ड कॉपी बताया थे ना कि जब तक कोई इमेज आपकी स्क्रीन पे, जैसे इमेज स्क्रीन पे है ना, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रिंट आउट पेज, क्या कहलाएगा, दिमाग रखिएगा। और प्रिंटर का काम क्या होता है, यही होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, जब तक कोई भी इमेज स्क्रीन पे दिख रही है सॉफ्ट कॉपी, और इसको प्रिंट आउट पेज भी दे दिया जाएगा वो, तो प्रिंटर का काम यही होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, है ना। और उसके अंदर ठीक लिखा होता होता है तो क्या करता है, हार्ड को सॉफ्ट, ये डेफिनेशन भी होगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा। फोटो लेना है ले लो, तो वीडियो घर पे जाके बैठ के देखो, कुछ नहीं देखो, यूट्यूब पे पढ़ता है ना वीडियो, शाम को लिंक जाता ही आराम से बैठ के घर फिर से पढ़ लेना, फोटो कहाँ कोई पढ़ता ही, जाएगा वीडियो घर पे बैठ के पढ़िए आप लोग, वीडियो दोबारा देख लीजिए, इसलिए तो वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। कब कोई प्रिंट कमांड देना है, कब ऑडियो प्ले करना है, कब वीडियो प्ले करना है, कब इंटरनेट से कनेक्ट होना है, सारा चीज उसी का कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। क्या नीड क्या है इसकी, कहा है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, दोनों से मिलकर बना है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है, सॉफ्टवेयर के बिना, और कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू पहले लिखवा चुका हूँ ना, और एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से सिस्टम और हार्डवेयर के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट यानी संवाद यानी बातचीत करते हैं ना, इन्हीं के माध्यम से हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिर से वही चीज, वर्क आप हुए जो वहां दिया था, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ठीक प्रकार से उपयोग करने लायक सरल बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से हार्डवेयर की भारी भरकम सूचनाओं को उपयोगकर्ता से छिपा लेता है, इसलिए उपयोगकर्ता को ढेर सारी सूचनाओं का सामना नहीं। अच्छा, इस कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा है ना, तो ऐसा होता है क्या, सिस्टम ऑन करते डाटा लगता है आने नहीं आता है ना, वो सब छिपा के रखता है, जब आप उसकी तरफ पहुंचेंगे तो डाटा दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा, तभी तो इसको कहा गया है कि सेक्रेसी रखता है, सेक्रेसी मतलब गोपनीयता रखता है, जैसे हम लोग जैसे नहीं है कि कोई बात बता दे, समझ रहे हो ना। उसी में क्या कहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक सरल माध्यम उपलब्ध कराता है, इसलिए वह कंप्यूटर पर आसानी से कार्य कर पाता है, ये सारी चीजें हैं बस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो अलग है, देख रहे हैं वो लाइन बार बार लिखेगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसके बाद जो आने वाला है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो लिख लीजिएगा, दो टाइप के हैं, सीयूआई बेस्ड और जीयूआई बेस्ड, हो गया। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो चीजों पर आधारित है, एक सीयूआई बेस्ड है जिसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते थे वो सीवाई बेस्ड होते थे, कैरेक्टर पे आधारित थे, लेकिन अभी के कंप्यूटर सिस्टम ग्राफ पे आधारित, क्योंकि ग्राफ मेथड जो है वो चीजों को काफी आसान बना देता है, इसीलिए लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखते होंगे क्रिकेट वगैरह में, अगर मैच ना देखे हो, मैच नहीं भी देखे हो और ग्राफ बना हुआ है, ये पहला ओवर है, ये दूसरा ओवर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, अगर मैं पूछूं किस ओवर में ज्यादा रन बना है, कैसे जान गया? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड लोगों को आसान होता है समझाना। थर्ड ओवर में ग्राफ ही नहीं बना, मतलब मैटन ओवर हो गया, कोई बॉलिंग नहीं बना ही नहीं, ग्राफ थोड़ा हलचल ही नहीं हुई यहाँ पे, यानी रन ही नहीं बने। ये सब चीजें हैं कि ग्राफिकल मेथड, ठीक है? तो एक लाइन ये लिख लीजिएगा कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम सीवाई बेस्ड थे, अभी के सिस्टम जीयूआई बेस्ड है, बस यहीं तक। उसके बाद चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले के कंप्यूटर सिस्टम सीयूआई बेस्ड थे और अभी के कंप्यूटर सिस्टम जीयूआई बेस्ड थे। हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, प्रैक्टिकल टर्म पे, कि प्रैक्टिकल में क्या क्या है। तो अभी तक प्रैक्टिकल में आप लोगों को क्या क्या बताया गया, एक बार शॉर्टकट में रिव्यू। आप लोगों को बताया गया फोल्डर बनाना दो तरीके से। पहला तरीका क्या था, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और कहाँ जाना है, फोल्डर पे, और जो भी फोल्डर का नाम लिखना हो, जो भी है, लिख के इंटर कर देना है, हो जा रहा था, आसान है। अच्छा, इसको रीनेम करना है तो क्या होगा, दो तरीका है, एक इस पे राइट क्लिक करें और कहाँ क्लिक कर दें, सॉरी, राइट क्लिक करें और कहाँ क्लिक कर दें, एक बार रीनेम। अच्छा, किसी भी फोल्डर को एक बार सिलेक्ट जरूर करना पड़ता है, और अगर मैं बोलूँ ये इधर आओ तो कौन मेरे पास आएगा, जब तक मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इसीलिए जब तक आप किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या परिवर्तन करना है। तो हमने एक बार फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन दबाएंगे और ऑप्शन चलाने के लिए राइट बटन लाएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा रीनेम। लेकिन प्रोसेस काफी लंबा हो गया, देखो ब्लू कलर हाईलाइट हो गया, तो हाईलाइट हो गया है तो अब जब कई लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं तब लिखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्टली लिखिए ना ट्रिपल टी, देखिए अपने आप वो हट जाएगा, देखा। कई लोग क्या करते हैं, पहले मिटाते हैं बैक स्पेस से, फिर लिखते हैं। जब कोई चीज हाईलाइट है ना, जैसे मान लो नोट पैड ही है, यहाँ पे नोट पैड ही है और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अब हम इसको सिलेक्ट करके एक ही बार में सिलेक्ट, अगर ये सिलेक्ट है तो जरूरी नहीं कि बैक स्पेस दबाए, नहीं, हम सिर्फ आर लिख देंगे तो भी मिट जाएगा, दिमाग रखिएगा इस बात पे, ठीक है? तो मैंने मिटा दिया यहाँ पे और टी नाम से सेव कर दिया, या इसकी शॉर्टकट की होती है F2 बटन। कौन सी बटन? F2 बटन। लेकिन हाँ, एक बात का और ध्यान देंगे कि लैपटॉप वगैरह में F2 बटन या F1 जो भी है, फंक्शंस की जितने भी हैं, वो F10 के साथ दबाना पड़ता है सिस्टम में। तो ऐसे F2 दबाने का काम हो जाएगा, लेकिन लैपटॉप में F10 के साथ दबाएंगे, कोई भी फंक्शन की F10 के साथ दबाएंगे। मैंने F2 दबा लिया, देखो वही काम आ गया, ना राइट क्लिक करना पड़ा, ना रीनेम में जाना पड़ा, ना कुछ भी, और बदल दिया फिर से RT नाम से, इंटर कर दिया, हो गया। तो ये क्या है तरीका, फोल्डर बनाने का और रीनेम करने का। और भी मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था, कि शॉर्टकट किसी भी फोल्डर बना सकते हैं, क्या शॉर्टकट की थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, बस आ गया, जिस नाम से बनाना है बना लीजिए, इंटर कर दीजिए, बन गया, यही था ना। दूसरा तरीका था, दूसरा चीज मैंने बताया था कि फोल्डर पे पासवर्ड कैसे लगाते, यही था ना। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये एक इमेज इस फोल्डर में आए, फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो एक फोटो आ गया ना, फोटो ओपन करके देख लीजिए, फोटो ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो रहा है। कुछ पासवर्ड नहीं मांगा है, नहीं मांगा है, तो पासवर्ड लगाने के लिए कहाँ जाना था, फोल्डर पे राइट क्लिक करना था और कहाँ जाना था, प्रॉपर्टी नहीं, ऐड टू अर्चीव, भूल गए ना, जल्दी ऐड टू अर्चीव पे जाना था। और कुछ ऑप्शन किसी किसी में जनरल में ही आ जाएगा सेट पासवर्ड का, और किसी किसी में एडवांस में आएगा, देख लीजिएगा, एडवांस में भी आ जाएगा, जनरल में भी आ जाएगा। तो सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड सेट कर देंगे, मैंने कर दिया 123 और 123, सो पासवर्ड करके एक बार चेक भी कर लीजिएगा, जो पासवर्ड हम डाले थे वही दिख रहा है ना, ठीक है।
और क्या करेंगे, ओके ओके। तो अब आप सोचेंगे सर पासवर्ड लग गया फिर भी इसको ओपन करें तो ओपन हो जा रहा है। हाँ तो ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब इस फोल्डर को डिलीट कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि आरटी नाम से एक ऐसा बन गया होगा, ऐसे देखिए ऐसे बन गया होगा। ये आरटी से आपको मेरे लेना देना नहीं, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, इसको परमानेंट डिलीटरी कर दिया। हट गया। अब इसको ओपन करेंगे जब, इसमें आपका फोल्डर दिखेगा आरटी वाला। हाँ यही है ना, हाँ फोटो यही है ना, पासपोर्ट साइज। हाँ ओपन करिए। जब तक पासवर्ड मेंशन नहीं करेंगे, पहले पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया, जीआईटी डाल दिया, देखो नहीं खुलेगा, इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके फिर से डालिए 1 2 3 इंटर। खुल गई। फिर पासवर्ड हटाना भी बहुत आसान है, मैंने बताया था कि ये इसी पे क्या करेगा, राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। किस नाम से? जिस नाम से था, आरटी नाम से, बस एक्सट्रैक्ट टू आरटी। जिस नाम से भी फोल्डर होगा उसका नाम दिखाएगा, देखिए, और पासवर्ड 1 2 3 ओके। देखिए अभी फोल्डर बन के आ जाएगा, आरटी नाम से फोल्डर बन गया। अब इसको डिलीट कर दिया, अब इससे कोई लेना देना नहीं, डिलीट कर दिया, बस बात खत्म। अब आरटी को ओपन कर लीजिए, देखिए इसमें आपका आरटी नाम का फोल्डर है। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना, ये पासवर्ड बताया था और क्या बताया है, आइकॉन चेंज करना। आइकॉन चेंज, फोल्डर का आइकॉन ऐसा ही होता है, सही है, सही बात है, लेकिन क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ तो कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद से, सॉरी प्रॉपर्टी ना कस्टमाइज, और यही ऑप्शन आएगा क्या, चेंज आएगा, आइकॉन जो भी रखना है सिलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। ओके चेंज, तो आइकन चेंज कर देंगे, मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दे। अच्छा डिलीट किया हुआ मैटर कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर आप चाहते हैं परमानेंट डिलीट करना, तो स्विफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे। नए लोग लिख लीजिएगा कि अगर हम कोई फोल्डर परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो स्विफ्ट के साथ डिलीट दबा लेंगे, स्विफ्ट प्लस डिलीट, परमानेंट डिलीट करने के लिए। लेकिन हाँ इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब बहुत कॉन्फिडेंट होइएगा आप कि इस फोल्डर की आवश्यकता बाद में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, तभी। ये नहीं कि ऐसे ही मारते गए, पता चले फिर कभी जरूरत पड़ी तो ऑप्शन ना ले पाए, ठीक है। इसकी इस ऑप्शन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बहुत कॉन्फिडेंट हो आप। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल टर्म ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पर डे प्रैक्टिकल ही चलेगा, अपन नोट पैड हो ही गया है, प्रैक्टिकल चलेगा, उधर से साइड से वर्ड पैड स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू क्लास।